एक तो वो उस जगह से बिलोंग करते हैं जो हमारी भाषा है, हम भी बुंदेलखंड से ही हैं, तो हमारी जो भाषा है तो वो एक लोग ना थोड़ी खड़ी बोली समझते हैं कि वो, बट जिस तरीके से वो बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। और वो जो भाषा है ना वो एक बहुत ही प्यारी भाषा है, और जिस भाषा में वो बोलते हैं वो लोगों को बहुत मतलब छू जाता है अंदर तक, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हैं। और फिर उनने बच्चों की बात करी क्या है कैसा, उनने इधर पे बोला कि आपके बड़े बेटी की जॉब लग जाएगी, वहाँ से वो गए नहीं और आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया कि पापा हमारी जॉब लग गई। मैं यही बोलना चाहूँगी, भैया रहो, सुनत रहो, आराम से समझो और अपने सनातन की तरफ बढ़ो, धर्म को मानो, भक्ति करो और फालतू की चीज़ें ना सोचो। महाराज जी सीताराम, ऐसे ही आप आगे बढ़त रही हो, लोगों को सनातन की तरफ बढ़ात रही हो, धर्म की तरफ जोड़त रही हो, और आप हमेशा बहुत ऊंचाइयों तक प्रचार करो, सब कुछ करो। मैम आपका क्या नाम है? काव्या शिरोलिया। कहाँ से हैं? दमो। बागेश्वर धाम से कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई जुड़ने की? वो हटा में आए थे, दमो के पास है, तो वहाँ पे आए थे वो मतलब कथा करने, तभी टीवी पे यूट्यूब वगैरह पे देखा, फिर देखते देखते जाना उनके बारे में क्या है कैसा है, तो वो फिर अलग ही पता नहीं हो गया अपने आप, फिर देखते रहे, जानते रहे, समझते रहे, तो सब बढ़िया रहा। तो उस दरमियान आपने क्या चीज़ें सर्च करी? जब यूथ किसी से जुड़ता है ना तो बहुत तरीके की चीज़ें सर्च करता है, फिर एसोसिएट होता है। हाँ, बस उसके बारे में क्या है कैसा है, जैसे अभी पहले ऐसा था, लोग जानते नहीं थे, धर्म को इतना समझते नहीं थे, सनातन के लिए सब कुछ, लेकिन जब से महाराज जी ने स्टार्ट किया है प्रवचन देना, समझाना सबको, दरबार वगैरह सब कुछ, तो लोग सनातन की तरफ बढ़ने लगे हैं, हिंदुत्व की तरफ उनकी आने लगी है, धर्म की तरफ बढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं क्या सही है क्या गलत है। और यूथ का ऐसा है कि जो अलग अलग चीज़ों में जाते थे, गंदी चीज़ों में जाते थे, तो वो इनको देखने लगे हैं, समझने लगे हैं और धर्म की तरफ बढ़ने लगे हैं, धर्म का प्रचार करने लगे हैं, सनातन को जानने लगे हैं धीरे धीरे। जैसे बागेश्वर कह रहे थे आप, जहाँ तक मेरा मानना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें भगवान से मिलाने का एक कनेक्शन होता है। हम उनके भगवान को तो जानते नहीं है, उनके पास नहीं जा सकते, बट हम किसी के अनुभवों पे चल के तो उनके पास जा ही सकते हैं, मिल सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे मैम के उनके नियमों पे चल के उनके अनुभव, बहुत सारे गुरु हैं इंडिया में, बहुत सारे, तो मतलब किस पे रिलाई करना चाहिए? जैसे एक आप लोग हिंदुओं को सनातन की तरफ ले जाएं, ऐसे तो सब दावा करते हैं कि सारे बाबा कहते हैं हम भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, देखो बोलते सारे हैं कि हम भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, और वो फिर आपके अंदर से एक नेचुरल आता है कि आप किसकी तरफ आकर्षित होते हो, वो आपके अंदर आता है। ये नहीं है कि उनके चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हो आप इसलिए जा रहे हो, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जो आपको उस गुरु की तरफ ले जाती है। तो जैसे बागेश्वर धाम सरकार है, इनसे यूथ ज़्यादा क्यों कनेक्ट हो रहा है? मतलब क्योंकि वो खुद एक यूथ है और वो अच्छे से समझा पा रहे हैं लोग को, वो जानते हैं कि कौन, मतलब वो खुद ही उसी एज में है तो वो जानते हैं कि हमारे एज के किस टाइप से समझ पाएंगे, उनके बोलने का तरीका, उनके समझाने का तरीका। हाँ, तो उन्हें ये पता है अच्छे से कि कौन किस तरीके से समझ पाएगा, तो वो इसे समझाते हैं उसे। क्या कह रहे थे? एक तो वो उस जगह से बिलोंग करते हैं जो हमारी भाषा है, हम भी बुंदेलखंड से ही हैं, तो हमारी जो भाषा है तो वो एक लोग ना थोड़ी खड़ी बोली समझते हैं कि वो, बट जिस तरीके से वो बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। और वो जो भाषा है ना वो एक बहुत ही प्यारी भाषा है, और जिस भाषा में वो बोलते हैं वो लोगों को बहुत मतलब छू जाता है अंदर तक, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो बहुत अच्छे से लोगों को समझा पा रहे हैं और सनातन की तरफ वो आकर्षित कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि लोग पहले से सनातनी नहीं थे, पहले से भी थे लोग, बट उनके आने के बाद एक्चुअल में जानना स्टार्ट किया। मैं नहीं जानती थी उनको, मैं मेरी फैमिली वालों के थ्रू जानी, मेरे पापा जी लोग, बड़े पापा जी लोग गए हैं, अभी तक मैं नहीं गई हूँ, मैं उतना मानती भी नहीं हूँ, बट हाँ मानती हैं, उस चीज़ को नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं अंधविश्वास में नहीं मानती, मेरे अकॉर्डिंग ये जो है वो अंधविश्वास तो नहीं है, है एक मेरी फैमिली वालों ने एक्सपीरियंस किया है, कहीं कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस था, बताया था, शेयर करा था। हाँ, एक्सपीरियंस ये था कि अर्जी लगाया था मेरे घर में, तो मेरे बड़े पापा जी ने बोला था भाई की जॉब के अकॉर्डिंग कि भैया की जॉब वगैरह लग जाए, तो उस बेस पे उनको ऐसे अर्जी लगाने के बाद 5 शनिवार जाना पड़ता है वहाँ, तो वो रेगुलरली गए, उन्होंने वो जो उनका रहता है लहसुन प्याज छोड़ा, त्याग किया, भगवान को माना,
तो हाँ एक अच्छा ऑफर लेटर आया भैया को, तब से मेरी फैमिली वाले सारे बहुत मानने लगे और लगी जब से आपको भी रियलाइज। हाँ तब को सबसे मेरे को भी रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि हाँ मतलब होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी है उनमें। और उनकी तस्वीर को देखो, भगवान तो हम किसी को नहीं मान सकते क्योंकि भगवान तो बहुत अलग है, बट जो गुरु होता है ना वो हमें परमात्मा से मिलाता है, इतना मेरा मानना है। ये मिला रहे हैं कि नहीं? मिला रहे हैं, ऑफ कोर्स मिला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना, ये कोई फेक नहीं है, एक रियल है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे एक फ्रेंड का दोस्त भी था, वो उन्होंने भी अर्जी लगाई थी, उनकी भी स्वीकार हुई। तो ऐसे जो बोलते हैं ना उठा के, तो ये रैंडम मतलब रैंडमली ही उठाते हैं, इनका वो नहीं रहता कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका कोई प्री प्लान, कुछ भी प्री प्लान नहीं रहता, वो उनको उस टाइम पर आता है और उनको भगवान की एक टाइप से कृपा बोल लो या सिद्धि बोल लो, तो वो उनमें है। मेरे बड़े पापा एक बार टीकमगढ़ कथा में आए थे, सबसे पीछे खड़े थे, बहुत बारिश हो रही थी। आए महाराज जी ने, वो जाने वाले थे एक्चुअली कि बहुत बारिश हो रही है, अब इतने पीछे खड़े मिलना तो है नहीं, जाने ही वाले थे कि महाराज जी ने बुला लिया पीछे, छाता लेके जो खड़े हैं वे आ जाओ, छाता ही लेकर आना। और वो शॉक्ड हो गए, उनके शिष्य ले बुलाने आए उनको। फिर वो गए, उनने बोला कि आप इधर इधर से हो और आप पीछे छाता लेकर खड़े थे और जाने वाले थे बस, शायद आपने देख लेना यूट्यूब पे डला है वो वाला। और फिर उनने बच्चों की बात करी क्या है कैसा, उनने इधर पे बोला कि आपके बड़े बेटी की जॉब लग जाएगी। वहाँ से वो गए नहीं और आधे घंटे बाद फ़ोन आ गया कि पापा हमारी जॉब लग गई, उनका एक्सपीरियंस। उसके बाद उनने सुंदरकांड करवाने को कहा था, फिर हम लोग गए थे वहाँ पर 13 मार्च को। तो मतलब ये खुद का बहुत लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि गए हैं ठीक हो गए हैं। और हम लोग का पर्सनल तो ऐसा है कि जब से मिले हैं जब से सब अच्छा ही हो रहा है, अर्जी नहीं लगाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मानते हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इसको पता है, पता है। मैं इससे फर्स्ट टाइम मिली, हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं साथ में, तो मैंने देखा काफ़ी, मेरे वॉल पेपर में भी वही है। और आपके में भी? नहीं मेरे में नहीं, बहुत मानती हूँ। और जैसे आपके पास ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है सिद्धि टाइप की, तो आप क्या करते सबसे पहले? क्या करते, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन यही करते हैं। बी ऑनेस्टली क्या करते? अगर पॉजिटिवली होता तो यही करते अपने, ऐसे ही सिद्धि होती है महाराज जी, जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या करते हैं? वो मूड पे डिपेंड करता है क्या होता है, बट अगर पॉजिटिव सोचते तो यही करते, हेल्प करते। आप क्या करते उस टाइम? पता तो होता नहीं मुझे कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद भगवान के वश में रहूँगी, तो उतना मुझे नहीं है अभी कि मैं क्या करती। हाँ बट इतना है कि मैं पॉजिटिव चीज़ें ही लोगों को बताती, हेल्प करती लोगों की, और ऐसे नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान में या ये चीज़ में, तो सबको बताती, समाज में अच्छी चीज़ें करती। मैम जैसे पहले के जो गुरु थे, यानी कि जो ओल्ड एज वाले अभी भी हैं, वो डरा के रखते थे लड़कियों को कि अरे हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है, हनुमान जी की परिक्रमा नहीं करनी है, तो क्या वो? ये गलत बात है। उन कैसा मतलब ऐसे मिथ फैला रखा था ना उन्होंने कि हनुमान जी से, वो बाल ब्रह्मचारी थे और बाकी ऐसा कहीं है तो नहीं कि नहीं छू सकते या पैर नहीं पड़ सकते, मान नहीं सकते। ये है कि तुम भाई के रूप में मानो, पिता के रूप में क्या तुम बात नहीं करते हो? तो वो आप बाल ब्रह्मचारी थी, यही रीज़न था और कुछ नहीं था। अगर तुम उसको उनको सच्चे दिल से मानो, उनकी पूजा करो, भक्ति करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ महाराज जी बता रहे हैं। मतलब जब से बागेश्वर धाम सरकार ने कथा करना शुरू करा है, तब से मतलब हनुमान जी सुलभ हो गए हैं, मतलब कलयुग के राजा हैं ही, तो कलयुग में तो उन्हें आना ही था, अभी किसी के माध्यम से आए तो महाराज जी के माध्यम से आ रहे। बाकी सोच में डिफरेंस है, देखा है, बाकी लिखा तो कहीं नहीं है ऐसा कि उनको छू नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते। बस रीज़न यही था कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं इसलिए बोलने लगते हैं, और जो लोग डिफरेंस करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पुराना मानते हैं तो वो लोग बोलते हैं, बट ऐसा है कुछ नहीं, उनको मान सकते हैं बहन एज अ सिस्टर, या उनको अपना भाई मान के, पिता मान के, गुरु मान के। अब तुम कुछ और ही सोचोगे उनके बारे में, कुछ और ही दिमाग लगाओगे तो ऑब्वियसली पाप पड़ेगा, गलत ही होगा ना। अच्छा बुंदेलखंडी में आप दोनों क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारी तो डिवोटीज को क्या बोलना चाहती हैं? वो ज़्यादा ये बेटर बोले। अच्छा आप बताएं। मैं यही बोलना चाहूँगी, भैया रहो, सुनत रहो, आराम से समझो और अपने सनातन की तरफ बढ़ो, धर्म को मानो, भक्ति करो और फालतू की चीज़ें ना सोचो। गुरुदेव के बारे में गुरुदेव से कहना चाहती, क्या कहना चाहती हैं ये वीडियो को देखते हैं? मैं कहना चाहती हूँ बुंदेलखंडी में, हाँ यार अपने गुरुजी बुंदेलखंडी के हैं तो महाराज जी सीताराम, ऐसा ही आप आगे बढ़त रही हो, लोगों को सनातन की तरफ बढ़ात रही हो, धर्म की तरफ जोड़त रही हो, और आप हमेशा बहुत ऊँचाइयों तक
प्रचार करो, सब कुछ करो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.